हमास के चंगुल में फंसे इजरायली बंधकों की घर वापसी को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। बंधकों के परिजन दिन रात नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। सड़कों से लेकर नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों के आवास तक भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इजरायली बंधकों की वापसी की आस लगाए बैठे उनके परिजन लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतर आए हैं। सड़कें जाम कर पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर्स निकालकर या ढोल नगाड़े पीटकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच हमास के कब्जे में बंधकों के परिजनों ने बीते गुरुवार यानी कि 30 अगस्त को कुछ ऐसा किया कि नेतन्याहू सरकार के होश उड़ गए, तो वहीं इजरायली सेना में भी हड़कंप मच गया। दरअसल लंबे समय से बंधकों की वापसी के लिए सरकार पर दबाव बनाने का कोई असर नहीं दिखने पर प्रदर्शनकारियों ने गाजा बॉर्डर के पास अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी परिजन किबुत्स सीमा को लांघते हुए गाजा में प्रवेश कर गए। अपनों की तलाश में प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर की बाड़ को तोड़ते हुए सुरक्षा घेरों को पीछे छोड़ दिया। दावा है कि इस दौरान कई प्रदर्शनकारी भावुक होकर गाजा बॉर्डर में प्रवेश करने लगे। एक दूसरे के पीछे भागते हुए दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की। दावा है कि बंधकों के परिजन इस उम्मीद से अंदर गए थे कि कैद में रखे गए उनके प्रियजन उनकी बात सुनेंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि लगभग 2 दर्जन रिश्तेदार किबुत्स निरीम की बाड़ को पार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी परिजनों ने खून से सने हाथों के निशान वाली टी शर्ट पहन रखी है। अंदर तक घुसे लोगों के हाथों में तख्तियां दी जिन पर उनके करीबियों की तस्वीरें थीं और लिखा था उनका खून सरकार के हाथों में है, अगर सरकार उन्हें वापस नहीं लाएगी तो हम लाएंगे, अगर सरकार कोई सौदा नहीं करेगी तो हम उन्हें ले लेंगे। हॉस्टेज फैमिलीज फोरम ने इस प्रदर्शन पर बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि अत्यधिक पीड़ा में परिवार गाजा की बाड़ को तोड़कर गाजा की ओर भागे ताकि जितना संभव हो सके अपने प्रियजनों के करीब पहुंच सके। इजरायली सरकार को एक व्यापक बंधक सौदा जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी समय प्रदर्शनकारी परिवार गाजा सीमा अवरोध को तोड़ने या गाजा में प्रवेश करने के करीब नहीं आए। बंधकों के रिश्तेदार सिर्फ किबुत्स की बाउंड्री बार से सटे रास्ते पर भागे जो पास के खेतों तक पहुंच का रास्ता है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के समझाने और शांत कराने के बाद प्रदर्शनकारी वापस अपने साथियों के पास लौटे। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि गाजा की ओर न जाना सही निर्णय था। अगली बार हम और अधिक होंगे, सैकड़ों हजारों, हम नहीं रुकेंगे। बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से अगवा किए गए 251 बंधकों में से 103 गाजा में रह गए हैं। इन सब के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सुरक्षा कैबिनेट के सामने एक दस्तावेज पेश किया है। इसमें बताया गया है कि इजरायल एक रणनीतिक चौराहे पर खड़ा दिखाता है। अगर इजरायल इस समझौते को स्वीकार करता है तो न केवल बंधकों की वापसी होगी बल्कि उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला के साथ जारी संघर्ष भी शांत हो सकता है। साथ ही यह संभावना भी बढ़ सकती है कि ईरान इस्माइल हानिये की हत्या का बदला लेने की योजना को बदल सकता है। मगर रक्षा मंत्री ने चेताया कि अगर इजरायल कोई समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है तो उसे बंधकों को हमास की कैद में ही छोड़ना होगा, साथ ही एक से ज्यादा मोर्चे में युद्ध के खतरे का सामना करना पड़ेगा। इजरायली मीडिया चैनल 12 ने दावा किया है कि हमास नेता यहाँ सिनवार इजरायल के खिलाफ बहुमोर्चा युद्ध को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि वह बंधक समझौते को अस्वीकार कर सकता है।